जल्दी कराओ तार शॉर्ट हो रही है पीछे। वो देखो वहाँ पे भी ना तार शॉर्ट हो रही है उधर वाले पे। तो वो देखो भोंक रहा है, कौन है? तो मम्मी आ चुके अभी। कौन है डब्बू? डब्बू कौन है? देखो अब पहचान गया भाई, क्या पूछ हिला रहा है। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। और आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है हमारी छत से। तो मैं आ रखा था अभी छत में सवेरे सवेरे चिड़ियों को दाना डालने के लिए। तो यहाँ पे तो मैंने उनके लिए दाना डाल दिया। ये देखो यहाँ पे मैंने उनके लिए यहाँ पे दाना डाल दिया है। और सारे बैठे पड़े इधर तार में इंतजार कर रहे हैं कब दाना डालेगा और मैं खाने के लिए आऊँगा। और कल का तो मैंने डाला था तो मुझे लग नहीं रहा था कि शायद से उन्हें खाया होगा, मगर जब आप सुबह देखते हैं पूरा एकदम साफ कर रखा है। और जो मौसम है वो भी आप फिलहाल देख सकते हो, हल्की हल्की धूप सी लगी है, प्रदूषण जो भी हो। हमने देखो सूर्यदेव भगवान भी प्रकट हो रहे हैं उधर सामने से। साइड में सारी ये देख रहे होंगे, इधर का जो नज़ारा है कुछ ऐसा ही नज़ारा है। चलो फिर अब नीचे चलते हैं, उनके लिए जो दाना डालना था मैंने डाल लिया। अब आके वो भी खाएंगे, इंतजार में बैठ रहे हैं कि मेरे कि कब मैं नीचे जाऊं और आके इधर दाना खाएं। वो देखो उधर बैठे पड़े पेड़ों में, और देखो वहाँ पे बैठे पड़े आके बैठने लग गए हो। वहाँ पे दो तीन वहाँ पे आके बैठ गए। वो भी सोच रहे हैं कब ये जाएगा और मैं हम ऊपर खाना खाने। मैं तो सही सोचा था मगर यहाँ पे बैठे मैं दिखाऊँ आपको। चलो कोई बात नहीं, अभी किसी और दिन दिखाऊंगा जब सामने बैठे होंगे। चलो फिर नीचे की ओर चलते हैं गाइस। तो फिलहाल जो भी टाइम हो चुका है वो उसके 9:30 बज चुके हैं। अब मम्मी पापा और तो दोनों चले गए काम पे, और घर पे मैं और भाई हैं। और अब करते हैं ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में आज बनते हैं गाँव की राई की सब्जी बन रखी है, और साथ में इधर मलाई भी है और ये रोटी है। फटाफट सब कोई ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद फिर बाकी डेली का काम होता है उसको फटाफट से करते हैं। और आप भी कीजिए हमारे साथ ब्रेकफास्ट। गाइस तो फिलहाल मौसम देख रहे होंगे आप। तो गाइस तो फिलहाल जो मौसम देख रहे होंगे आप, अभी बज चुके सिर्फ 5 बज चुके हैं। 5 बजे के देखो टाइम लगता है, घना घोर काला और है और बारिश आने लगी है। और सुबह तो एकदम मस्त धूप आई थी, देख के लग नहीं रहा था कि मौसम ऐसा होएगा कि बारिश करेगा। देख के तो आगे आज मस्त मौसम आज ठीक ठाक है, मगर गर्मी के टाइम पर तो बारिश हुई नहीं, और इस टाइम पर मौसम बारिश कर रहा है। देख के तो आज लग रहा है आज बड़ी तेज से लग रहा है गाइस, क्या ना आज ना बड़ी तेज बारिश होगी और मौसम और भी ठंड होगी मौसम को देख के। और ये देख सकते हो मौसम, और अभी तो ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ही तेज भयंकर वाला तूफान आने वाला होगा। मौसम ऐसा और का था, बट अब थोड़ा ना ठीक हो गया है, अभी तो थोड़ा ठीक सा दिख रहा है। तो चलो अंदर चलते हैं। वैसे भी मेरे को जुकाम और क्या भीग गया मैं बारिश में, फिर मैं और भी ज़्यादा बीमार हो जाऊँगा। उसकी आप टेंशन मत लो, ये देखो बारिश आनी शुरू हो गई, बूंदा पानी देख रहे हो ये स्टार्ट हो चुकी है। ये देखो तो बारिश तो स्टार्ट हो गया गाइस। फटाफट से चलते हैं अंदर। तो कपड़े थे बाहर डाल रखे, उनको तो मैंने उठा लिया था। अब अंदर की ओर चलते हैं, बस लाइट ना जाए आज रात को। लाइट चलेगी तो फिर तो और भी दिक्कत हो जाएगी। तो देख रहे होंगे अभी तक बारिश लगी पड़ी है 6 बजे की। और मम्मी को देख के भोंकने लगे तब जल्दी कराओ तार शॉर्ट हो रही है पीछे। वो देखो वहाँ पे भी ना तार शॉर्ट हो रही है उधर वाले पे। तब देखो भोंक रहा है, कौन है? तो मम्मी मम्मी आ चुकी है अभी। कौन है डब्बू? डब्बू कौन है? देखो अब पहचान गया मेरे ख्याल से, पूंछ हिला रहा है, भाग रहा है डर के। आजा 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 मेरे पास आ, मेरे पास आ। गाइस मम्मी के आते डब्बू अंदर भाग के चला गया, उसको लगा पता नहीं कौन है। अब बारिश हो रही है अभी तक, अब बहुत देखो देख लो कैसा हो रखा अभी। और 4 बजे की लगी पड़ी है गाइस, और गाइस 4 बजे से होते अभी तक लगी पड़ी है बारिश, अभी तक बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है। तो चलो अंदर चलते हैं, वैसे मौसम तो बहुत ठंडा हो गया, बस चाय बनाते हैं। मम्मी जी भी आ चुकी हैं, वो देखो डर के मारे उधर बैठ गया वहाँ पे। सुसु तो नहीं करी इसने कहीं? अच्छा अब प्यार आया उसको मेरे ख्याल से, डर गया, डर गया, पानी पी लिया इसने। मम्मी को जैसे इसने मैंने गेट खुला छोड़ रखा था कि मम्मी आएगी, और जैसे मम्मी अंदर आई और मम्मी को देख के भौंकने लग गया कौन आ गया। तो आज है डिनर में यहाँ पे चावल है, और एक गांव की जो काली दाल थी ना तो उसका बनाया था हमने चैसोनी, और साथ में इधर सलाद में है प्याज, और यहाँ पे लगा रखा है तारक मेहता, तो वहाँ पे तारक मेहता भी चल रहा है, इधर खाना भी डिनर भी करते हैं। और आप भी कीजिए हमारे साथ, तो टेस्ट करके बताता हूँ मैं आपको कैसा बना है। एकदम मस्त हो रहा है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? बड़े दिनों के बाद गांव की दाल तो बड़े दिनों के बाद ना आज बनाई हमने गांव की दाल। तो गाइस तो बड़े दिनों के बाद बनाई आज हमने गांव की दाल, और बड़ा मजा आ रहा है खाने में। यार हम सब यहाँ से साड़ियाँ खरीद के गए थे, उसमें से आधे से ज्यादा